नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लियाकत मार्केट न्यू कबाड़खाना रोड शिफा स्थित हॉस्पिटल में वेंटिलेटर आईसीयू का उद्घाटन किया गया। इस उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी, मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद, उत्तर विधानसभा विधायक आरिफ अकील का प्रतिनिधित्व उनके छोटे सुपुत्र आतिफ अकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पीसीसी अध्यक्ष साजिद अली, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मुफ्ती अहमद खान, युवा नेता मोहसिन अली खान एवं शिफा अस्पताल प्रबंधन के सदस्य मौजूद थे। शिफा अस्पताल के आईसीयू के उद्घाटन पर शिफा अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि पिछले कामों की तरह शिफा अस्पताल आईसीयू में भी 20% कम रेट पर लोगों का इलाज करेगा और इस तंगी के दौर में समाज को अपना योगदान देगा। शुरुआती दौर में वेंटिलेटर आईसीयू का शुभारंभ कुरान की आयत पढ़कर किया गया, जहां सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में शिफा हॉस्पिटल एवं वहां मौजूद स्टाफ के कार्य की सराहना की। वहां मौजूद विधायक मसूद ने अपने उद्बोधन में कहा कि मोहसिन मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं कदम कदम पर मोहसिन का साथ देता रहूंगा और आगामी समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं शिफा अस्पताल के लिए और भी कार्य करूंगा, ताकि आने वाले वक्त में भोपाल में गरीब और गुरबा लोगों को इलाज कम दामों में मिल सके। वहीं अस्पताल प्रबंधक दिलशाद ने शिफा अस्पताल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हर शुक्रवार को अस्पताल में गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाती है, जिसमें सोनोग्राफी, ऑपरेशन, डिलीवरी इत्यादि का इलाज यहां पर मुफ्त किया जाता है। वहीं कार्यक्रम का समापन जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मुफ्ती अहमद खान द्वारा दुआ कराकर किया गया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। और जब उमरान भाई को लेके आया था तब भी मैं ही लेके आया था, और अजीज भाई भी अल्लाह का शुक्र है बैठे हैं, और साजिद वकील साहब भी बैठे हैं। उमरान आजम साहब को आज दुनिया में नहीं है कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनको जिद कर अगर वर्क बोर्ड में बनाया था तो मध्य प्रदेश की मिल्लती हालत जो खराब है, वो जो वर्क बोर्ड का ताना बाना बरसों से लाचार पड़ा हुआ है और हमारी मिल्लत को खा रहा था, उससे बचाने के लिए मेरे साजिद भाई और अजीज वकील साहब के हाथ जोड़े। अजीत भाई भी मेंबर भी बनना चाहते थे, वो पूर्व गवर्नर थे, उसमें एक मेंबर आना था, तो मैंने जाके पुकारी, हैदर भाई यहाँ बैठे, दीपचंद यादव जी और साजिद भाई गए, जिद करके हमने अजीत भाई को तैयार करा और मेंबर बना के पांच अपने, और फिर किस मुसीबत से हमने किस मेहनत से उमरान भाई को चेयरमैन बनाया। हालांकि वो एक अलग बात है, हम उसमें बहुत कामयाब नहीं है, शर्मिंदा भी हुए जिनसे वर्क बोर्ड से तोबा नहीं करी। अभी भी बात आएगी तो मैंने कहा था मैं वर्क बोर्ड करना मेम्बर कभी बनाऊंगा, मैं बनूंगा नहीं कहना, लेकिन काम जरूर कराऊंगा। तो मोहसिन को मैंने ये समझाया कि भोपाल शहर है, तुम बहुत एनर्जेटिक हो, तो पहले दिन जब मुझे मिले मुझे लगा तुम कुछ कर सकते हो। मैं अक्सर ऐसे नौजवान दोस्तों को ढूंढता रहता हूँ, और अजीत भाई और साहिद भाई का तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़े हैं, इनके तजुर्बात, इन्होंने तमाम सफल राजनीति का तय करा, और किस राजनीतिक सफर से, चाहे मिली इदारे हों, चाहे हमारे अपने सियासी लीडरान हों, ये हमारी कयादत हो, जिस लाइन की जिस शोबे की, उसको बड़े सलीके से खत्म करने का काम हमेशा देश के अंदर एक बहुत अच्छी जमात करती रही और वो बदिन करती रहती है। इसलिए हमारा काम होता है कि हम उसकी हिफाजत करें, अगर हमारे पास तजुर्बा है तो हमें उस कयादत को बचाना चाहिए, नौजवान को बचाना चाहिए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे पास अभी बात आई कांग्रेस की बात, क्या अजीज भाई बैठे, अगर अजीत भाई मेरी बात को वोट सुन लेंगे, तो मैंने कहा ये बात चली कि साहब हम भोपाल में इधर से उधर शिफ्टिंग कर ले, तो मैंने कहा क्यों करने भाई, हम तो उस मिजाज के हैं दो से तीन करने वाले, मेरी नियत ये है और अल्लाह जानता है, कह रहा हूँ आसमान के नीचे अल्लाह को गवाह करके कि मैं चाहता हूँ कि अगली विधानसभा जब हो तो दो मुसलमान है मेरे नहीं, कम से कम चार मुसलमान है मेरे हमारे साथ हो, ताकि हमारी असल बात वहां रखी जा सके। तो मेरी कभी सोच में फर्क नहीं रहा, काम नहीं रहा, मोहसिन को गलत फहमी करने के लिए लोगों ने बोला बहुत ज्यादा, तो मैंने उसको कहा कि कभी जिंदगी में मेरा ऐसा इरादा नहीं है। मैंने भोपाल में 15 महीने सरकार रही, बदकिस्मती थी सरकार चली गई। मैंने पहली कोशिश मेडिकल पर ही करी थी, जो बात अहमद मियां ने कही हम भी मुफ्ती रज्जाक साहब के ही पाले हुए मेडिकल। मैंने आने के बाद सबसे पहले संजीवनी प्रोजेक्ट जो एकदम पड़ा था, अपनी विधानसभा में 8 संजीवनी क्लिनिकें बनवाई। सबसे पहले अगर कोई विधानसभा में संजीवनी बनी है तो वो मध्य विधानसभा में बनी। उसके बाद मैंने 3 मेडिकल अस्पताल स्वीकृत करा, 30-30 बेड पे, पैसा भी दिलवाया। एक मैंने एमएलबी कॉलेज के पास जो जगह पड़ी है प्यारे मियां के अफकार के सामने, एक मैंने जिंसी के ऊपर, एक नए भोपाल में। बदकिस्मती हमारी सरकार चली गई, पैसा स्वीकृत, अस्पताल स्वीकृत, बजट भी नहीं देना। मैंने शिवराज सिंह को कई बार कहा कि अगर जरा सी भी इंसानियत है
तो ये जो अस्पताल स्वीकृत पड़े हैं अब तख्ती तुम्हारी लगेगी, मुख्यमंत्री तुम ही हो, मुझे बुलाना भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं लिखना, मेहरबानी करके इसकी शुरुआत करा दो ताकि भोपाल के लोगों को फायदा हो जाए। लेकिन वो आज तक चालू नहीं हुआ और सब जानते हैं मैंने अपनी विधानसभा में कभी ये भूमि पूजन और काम वाला काम तो करा ही नहीं। मैं तो जहां गया और बोल के आ गया और जाते ही कहूँ जब मैं वर्क ऑर्डर करा लेता हूँ तो जाता हूँ और अगले दिन बोलता हूँ कि ये काम शुरू हो जाए और अंदर शुरू करा देता है। मैंने अपना काम का सिलसिला भी वही डाला, मैंने ये काम ही बंद करा कि चार लोग मालाएं ले खड़े हों, मोहल्ले के चार लोग एप्लीकेशन लेके आए और फिर वो दरखास्त दें और फिर काम शुरू हो। ये काम मैंने अपने यहाँ नहीं करा, तो मैंने ये बात इसलिए करी कि आज अजीत भाई साहिद भाई बैठे हैं, अहमद भी बैठे हैं, ये बात सच है। जब प्रदेश से बाहर निकलते हैं तो शर्मिंदगी होती है, जाहिर यहाँ पैदा हो गई, भोपाल का हक है, यहाँ के लोगों ने हमको पढ़ाया पाला है बढ़ा है, यहाँ हमने एजुकेशन लिए, यहाँ का बड़ा हक है हमें अदा करना। वो जब वो देखते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तकलीफ होती है। मैं अभी कोटा गया, कोटा का एजुकेशन सेंटर देखा मैंने, मैं पागल हो गया कोटा देखकर, इतना डेवलपमेंट। मेरे दोस्त थे वहां एमएलए थे, वो मुझे घुमाने ले गए तो उन्होंने मुझे बताया वहां के मिनिस्टर कि उसके लिए सेहत का इंतजाम रहे, जब विधान पड़े हो तो चैराज बन सके, चुमारे बन सके, और अपमान रहिए कि उसके मजहब उसके आए वो आजादी के साथ पता करता रहे, उसमें कोई धक्का नहीं डाल सके। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आर्य मसूद ने भी बात की और वफाक की, तो मैं सब कहता हूं लोगों से कि जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी वक्त की जायदादें वक्त की, अपने खानदान का पेट काटा, मकानों वक्त छीना, उन्होंने अपने यहां पर दुरुस्त कर ली और एक जगह बनाया है जन्नत के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ जो वकोट चराकिन है उनकी अदबत खराब हो गई, वकोट वाले उन्होंने की अदबत खराब हो गई, क्योंकि इतनी बेमानी इतनी हुई है वकोट पर, हिंदुस्तान भर में चाहे शर्म की बात हो कहीं नहीं हुई। मैं जब MP नहीं बना था तो मैं जब चली गया मालूम हुआ उभराए होकर जो है वक्त भी गरीब थी और महाराज प्रताप अली ने सिर्फ 30,000 रुपये जमीन बनाए के हमारे घर उसके टेबल आए 30,000 करोड़ की गए और उसके बाद केस भी आ गया। मैं MP होकर पहुंचा तो मैंने पहला काम ये किया कि सूचन किया दसवा के अंदर हफ्ता उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक वो हार चुके थे, कोई उसका हल नहीं कर पाया, वो जमीन आज भी उगड़ाए के पास 30,000 रुपये में 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी बात करी है। और यही नहीं है, जगह जगह यही हाल है, ये जगह आपने लगे हुए हैं शायद मालूम नहीं है आप लोगों को, ये औकाफ की जमीन है और औकाफ किसका था, सर लियाकत अली मरहूम, सर लियाकत अली नवाब साहब के उस्ताद थे, अतारीफ थे, उनकी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी थी। कल ना आज और न आने वाले कल को बुलाया जा सकता है। जिसने इंसाफ के शोबे में जबरदस्त काम किया, जिसने तालीम के शोबे में एक मिसाल कायम की और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरी मुराद इज्जत माफ जनाब अजीज कुरैशी साहब से है और मैं तमाम मेहमान खुसूसी का जो मंच पे उपस्थित है उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, जनाब आरिफ मसूद साहब का, जनाब सैयद साजिद अली साहब का, जनाब मुफ्ती अहमद साहब का, जनाब डॉक्टर मुबारक साहब का, जनाब डॉक्टर नायाब साहब का, जनाब इंसाद साहब का, जनाब कारी साहब का और हमारे जनाब फैजान हुसैन साहब का और यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउस कीपिंग और तमाम शिफा के जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं और यहाँ पे हमारे जितने मेहमान इस प्रोग्राम को अटेंड करने आए हैं, मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। बहुत बड़ी कमी है खासतौर से लोगों के लिए जो ICU अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। ये बहुत नेक काम किया है और मैं मौसम को बहुत पूरी पूरी बधाई मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि नमिया भगवान इनको और तरक्की दे और हॉस्पिटल बड़ा करते हैं। इतने बड़े आबादी के अंदर सिर्फ एक हॉस्पिटल आप करेंगे कि और भी हॉस्पिटल क्षेत्र में हर 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 मोहल्ले में खुलना चाहिए।
हर मोहल्ले में, लेकिन ये खुले मोहल्ले में हमारे अमाम जो है उनमें दम होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, भावना होना चाहिए उनमें। बता के जी भेदभाव के कोई धार्मिक फर्क नहीं हो, उसके अंदर मानवता की सेवा के लिए, इंसानियत की खदमत के लिए हर मोहल्ले में थोड़ा हाथ। कोविड के समय शिफा हॉस्पिटल ने एक बड़ी भूमिका निभाई, बहुत अप्रिशिएबल, ऑल प्रेस फॉर देम, मेरे मन में हो तो पूरी तारीफ उनके लिए, पूरी उनके लिए सराहना उनके लिए, और भगवान अल्लाह मियां उनको ताकत दे कि वो अपने और अच्छे काम कर सके। गवर्नमेंट की तो आंखें बंद है, उनकी अपने हॉस्पिटल की जो हालत है, भगवान बचाए उनसे, मत लोगों का यकीन खत्म हो गया है आज के, चोट भी लगती है मामूली आदमी आज आज भागता प्राइवेट, तो गवर्नमेंट तो अंधी है, मतलब गवर्नमेंट तो लूट है हॉस्पिटल में, इलाज होता नहीं है ठीक से, कुछ अच्छे भी हॉस्पिटल है, लेकिन गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल जगह जगह अपने आवाम का कोऑपरेशन रहे, जनता की उनका सहयोग रहे, तो ज्यादा अच्छी बात। क्योंकि ये तारीख हमारी एक साल की तारीख नहीं है और ये 1445 साल की तारीख है, और इसका कोई मालिक नहीं है। हदीस कुरैशी साहब भी मालिक हैं, आरिफ मसूद साहब भी मालिक हैं, आरिफ अकील साहब भी मालिक हैं, और सारी आवाम, भोपाल की जितनी आवाम है वो सब इस हॉस्पिटल की मालिक है, और सारे लोग मिलकर इस हॉस्पिटल को चलाएंगे। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें सबको पानी डालना है और आने वाले वक्त में इसका फल लेना है। देखिए ये अकेले मेरे मेहनत की बस की बात नहीं है, इसमें हाउसकीपिंग से लेके क्लास फोर से लेके क्लास ए के स्टाफ तक की मेहनत है, जिसने 24 घंटे दिन और रात काम किया और इस खिदमत को भोपाल के लिए अंजाम दिया, और मतलब खुदा ने हमको चुना इसलिए हम ये काम कर सके। देखिए मुझे लगता है कि ये एक इब्तिदा है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर तमाम 12,500 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, इसकी शुरुआत शिफा हॉस्पिटल ने करी है, आने वाले वक्त में हजारों हॉस्पिटल ऐसे खुलेंगे मुझे उम्मीद है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।